गाइस फेम टू सब्सिडी में हाल ही में कटौती के बाद चेतक की कीमत बढ़कर 1.44 लाख रुपए तक हो गई थी, लेकिन फेस्टिव सीजन के चलते कंपनी ने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर बजाज चेतक इलेक्ट्रिक वाले वेरिएंट पर कम से कम 14,000 रुपए तक की छूट देने के लिए कहा है। ये ऑफर पूरे देश में दोस्तों लागू होने वाला है, लेकिन इस ऑफर की कुछ वैलिड डेट बताई जा रही है, क्योंकि बजाज का कहना है कि ये ऑफर सिर्फ थोड़े ही समय के लिए वैलिड रहने वाला है। तो क्या समय है, कितने रुपए आपको ऑफ मिलने वाले, कौन कौन से बजाज के इलेक्ट्रिक स्कूटर पे, जितने सवाल आपके मन में घूम गए ना इतने दिन में, सारे सवाल आपके जवाब मिलने वाले हैं। तो वीडियो को कोई भी पार्ट बिल्कुल मिस मत करना। तो मेरा नाम है साहिल और आप देख रहे हैं एसके टेक फायर। गाइस ऑटो कार के अकॉर्डिंग इसकी नई कीमत 1 अगस्त से लागू हो गई है, इसलिए अगर आप इस स्कूटर को लेने का मन बना रहे ना तो ये समय आपके लिए सबसे बेस्ट रहने वाला है। गाइस एक समय में सबसे महंगा स्कूटर की अगर बात करते हैं तो वो बजाज चेतक था, और इतने हाई प्राइसेस होने के बाद भी ना इसने कस्टमर को अपनी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव किया था। अगर एथर 450X की इसके कंपैरिजन में प्राइस की बात करते हैं तो 1.38 लाख रुपए से शुरू होकर इसका जो प्रो वाला वेरिएंट है वो 1.53 लाख रुपए तक जाता है, जबकि अगर ओला S1 प्रो की हम बात करते हैं तो इसका प्राइस आने वाला है 1.47 लाख रुपए। यहां तक कि दोस्तों TVS iQube की कीमत भी 1.34 लाख रुपए से, और जो इसका S वाला वेरिएंट है उसकी कीमत रहने वाली है 1.40 लाख रुपीस। अगर हम यही दोस्तों बात करते हैं Vida V1 Pro की कीमत की तो इसकी भी कीमत 1.44 लाख रुपीस है। अगर दोस्तों बात करें ना बजाज की जो नई कीमत सामने निकल कर आई है, तो इन सभी वेरिएंट से अफोर्डेबल बना दिया है बजाज चेतक को दोस्तों। और हाँ, जैसे कि मैंने बताया कि ये जो नए प्राइस अवेलेबल हुए हैं इसके, वो 1 अगस्त से स्टार्ट हो चुके हैं, तो जल्दी से आप इसकी वेबसाइट पे जाकर चेकआउट कीजिए कि कौन से वाले वेरिएंट पे कितना ऑफ मिल रहा है, और जो पहले का प्राइस क्या था और अब का प्राइस क्या है, साथ में मुझे भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ये सवाल आपके थोड़ा सा काम आपको दे रहा हूँ, तो ये काम आप जरूर करना। तो जल्दी से वेबसाइट पे जाओ यार, कर क्या रहे हो, जल्दी से चेकआउट करो अगर इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने का मन है तब। और हाँ, कोई और लेना चाहता है तो उसके साथ इस वीडियो को शेयर कर दो बस। और उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक दुआओं में याद रखना। खुदा हाफिज़।